चिन्नास्वामी के मैदान पर एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला आग उगल रहा है। धोनी ने आज 110 मीटर का छक्का लगाकर शायद एक बार फिर बताया कि क्यों उन्हें डेथ में इतना खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। यश दयाल अपना आखिरी ओवर फेंक रहे थे, चेन्नई को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। पहली बॉल पर 110 मीटर का छक्का, बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई। आईपीएल 2024 का सबसे लंबा छक्का है, इससे बड़ा छक्का इस सीजन किसी ने भी नहीं लगाया। हालांकि वो भी नापा गया है क्योंकि वो बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई थी और स्टेडियम के बाहर तक की लंबाई 110 मीटर और कितनी बाहर गई थी उसका अंदाजा भी नहीं है। तो शायद हो सकता है 115 120 भी हो सकता है। हालांकि मैच नहीं जिता पाए, धोनी अगली ही बॉल पर आउट हो गए, पर अभी भी बेस्ट फिनिशर की अगर बात की जाएगी तो महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ में कसीदे पढ़े जाएंगे। अगली गेंद पर आउट हुए पर तब तक टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, पर उसके बाद बाकी के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन धोनी ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, अपनी टीम को गेम में जिंदा रखा। फाफ डु प्लेसिस ने खुद एक्सेप्ट किया कि धोनी अगर रहते शायद ये मुकाबला खत्म हो जाता, हम नहीं जीत पाते, यानी कि आरसीबी क्वालिफाई नहीं कर पाती प्लेऑफ्स के लिए, पर धोनी को आउट कर लिया। शायद वो मिस टाइम था और मिस टाइम बाउंड्री तक चला जाए ये हर किसी के बल्ले से नहीं होता, ये धोनी का ही पावर है जो वहां तक लेकर गया। पर 110 मीटर का ये मॉन्स्ट्रस सिक्स जो धोनी ने लगाया, शायद वो छक्का जो पहले विराट ने लगाया था उससे 10 गुना बेहतर था, क्योंकि विराट का छक्का तो सिर्फ 3 से लड़कर स्टेडियम की वापस आ गया तो 98 मीटर का था, पर धोनी का छक्का 110 मीटर का था और शायद कहीं ना कहीं ये धोनी का आखिरी मैच भी हो सकता था। तो अंत में जाते जाते उन्होंने फेयरवेल तो दे दिया है, हालांकि जीती नहीं है, पर दर्शकों को कुछ तो उत्साह होने का उन्होंने मौका दिया। आपको क्या लगता है धोनी का छक्का कितना लंबा गया होगा, हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।